एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स मसाले वाली वेज खिचड़ी, जो सभी को खाना बहुत ही पसंद आता है। इसमें बहुत ही मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि दाल चावल और वेजिटेबल भी है इसमें। इसलिए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कप यहाँ पे मैं चावल ले रही हूँ, नॉर्मल चावल जिससे हम चावल बनाते हैं। और यहाँ पे मैं 3 टीस्पून मूंग का दाल ली थी और 3 टीस्पून ले रही हूँ मसूर की दाल। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे हमें लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैं ऐड की थी देसी घी 3 टीस्पून और एक बड़े साइज का प्याज। जितना तीखा खाते हैं उतना आप हरी मिर्च ले लें। अगर आप देसी घी में अगर खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत ही अलग किस्म का स्वाद आता है। चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़ा गरम मसाला। यहाँ पे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, इसे ऐड कर ले। अब गोल्डन फ्राई होने दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो चुका था, अब इसमें ऐड कर देना हमें दाल और चावल। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ सब्जी मसाला। अब इसे हमें अच्छे से 5 मिनट तक के भून लेना है। वेज मसाले वाली खिचड़ी एक बार आप जरूर ट्राई करें मेरे तरीके से। होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। 5 से 10 मिनट भुना चुका था, उसके बाद हमें ऐड कर देना है पानी। और यहाँ पे मैं ऐड की हूँ 2 टमाटर। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अब बस हमें 2 वेसल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 वेसल हो चुका था। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। अब इसमें कुछ हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। ये हाफ कुक हो चुका है खिचड़ी, हाफ कुक होना बाकी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज का आलू, जिसे मैं छोटे छोटे कट कर ली हूँ। 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ मटर, 1 कप फूल गोभी और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर हमें 2 वेसल लगाना है या फिर 1 वेसल लगाना है। यहाँ पे मैं 1 वेसल लगाई थी। पानी कम लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं पानी। यहाँ पे 1 वेसल हो चुका था। चलिए इसे ओपन करके चेक करते हैं कि सब कुछ परफेक्टली कुक हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल सब कुछ कुक हो चुका था। अगर चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और पानी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए सर्व करते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय करें। बाय।